आगे बुराड़ी में एजुकेशन हब बनाने की योजना अधर में लटकी हुई है। यहां के कादीपुर में कई स्कूलों का निर्माण होना था लेकिन 3 साल में सिर्फ बाउंड्री की गई है। यहां के स्थानीय लोग विधायक संजीव झा से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस योजना को शुरू किया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। बुराड़ी में एजुकेशन हब बनाने की योजना को शुरू किया जाना था लेकिन ये योजना अब तक लागू नहीं हो पाई है। कोरोना काल में दिल्ली सरकार की तरफ से सभी योजनाओं पर विराम लगा दिया गया, उनमें ये योजना भी शामिल है। स्थानीय विधायक संजीव झा ने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए बुराड़ी के कादीपुर में कुशक रोड की जमीन में एजुकेशन हब बनाने की योजना बनाई है। संजीव झा के प्रयासों से यहाँ बाउंड्री भी की गई लेकिन अब इस एजुकेशन हब का काम अधर में लटका हुआ है। यानी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एजुकेशन को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन अगर एजुकेशन की बात की जाए तो इस जमीन को आप देख लीजिए। इस जमीन को देखकर आपको खुद आभास हो जाएगा कि दिल्ली सरकार कितना एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ रही है। ये कादीपुर के पास में जमीन है और यहाँ पर करीब 5 से 6 स्कूल बनने थे, एक यहाँ पर एजुकेशन हब बनकर तैयार होना था लेकिन इस खाली जमीन को आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है और ये जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री आप देख सकते हैं, इसकी जो लागत है वो करीब 2.5 करोड़ रुपए आई है जिसका खुद विधायक संजीव झा ने इसका दावा किया है। यहाँ के स्थानीय लोग विधायक संजीव झा से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ एजुकेशन हब बनाकर तैयार किया जाए। आज से 3 साल पहले विधायक जी ने 2.5 करोड़ रुपए इस बाउंड्री वॉल में लगाया था और इस यह कहा था जनता से कि इसमें यहाँ पे एजुकेशन हब बनेगा। एजुकेशन हब तो बहुत दूर की बात है, यहाँ एक स्कूल भी अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ तो बच्चों को स्कूल की सुविधा मिल ही नहीं रही है। यहाँ जो बच्चे पढ़ने जाते हैं 7-8 किलोमीटर जाते हैं और ये इतने परेशान हैं बच्चे और ना तो ये ट्रांसपोर्टर की वो है व्यवस्था ऐसी खास, बच्चे पता नहीं पैदल जाते हैं, कहीं ऑटो पकड़ते हैं, इतना खर्चा करते हैं। अगर यहाँ पे स्कूल बन जाए तो इतना पूरा वार्ड को फायदा हो जाएगा इस चीज़ का। और ये तो है ना, चुनाव के टाइम पे इसमें नारियल वगैरह फोड़ देते हैं भाई, उन्होंने चुनाव की राजनीति कर रखी है। 2.5-3 साल से इसमें पत्थर नहीं लगाया है एक भी। इस समस्या पर यहाँ की स्थानीय निगम पार्षद उर्मिला राणा का कहना है कि यदि यहाँ एजुकेशन हब बनता है तो जो बच्चे बुराड़ी से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उन्हें काफी फायदा होगा। ये राजनीति का समय नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। जनता इसके पक्ष में है कि यहाँ पर एक एजुकेशन हब होना चाहिए जिससे बुराड़ी विधानसभा के विद्यार्थियों को कहीं बाहर ना जाना पड़े, हमारे ही बच्चों को कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो ये अच्छी पहल है, होनी चाहिए। लेकिन इसके बारे में मैंने कई बार पूछा भी है कि भाई क्या रुकावट आ रही है, क्यों नहीं शुरुआत हो पा रही इसकी। तो पता लगता है कि जैसे पिछली बार भी कोरोना काफ़ी हो गया था, इस बार भी कोरोना, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये काम रुका हुआ है। आखिरकार इस एजुकेशन हब का निर्माण कार्य अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ, इसका कारण जानने जनतंत्र टीवी की टीम स्थानीय विधायक के पास पहुंची, जहां विधायक प्रतिनिधि आशीष कुमार ने बताया कि कोरोना के चलते इस एजुकेशन हब का काम बीच में अटका हुआ है। देखिए, जो कादीपुर में जो जमीन है उस पे एजुकेशन हब बनना है, बहुत सारे स्कूल्स वहाँ बनने का प्रस्तावित है लेकिन जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से दिल्ली सरकार का जो बजट है वो हेल्थ की तरफ जा रहा है, तो ये एक बहुत मेन वजह है जिसकी वजह से इसमें डिले हो रहा है, लेकिन जल्दी से जल्दी इस पे काम होगा। ऐसे में ज़रूरत है कि हेल्थ के साथ साथ दिल्ली सरकार एजुकेशन को लेकर भी गंभीर हो। कोरोना के कारण अभी बच्चों के स्कूल बंद है लेकिन जैसे ही स्कूल खुलेंगे बच्चों की शिक्षा को लेकर यहाँ बड़ी समस्या नजर आएगी। 1 साल से ज्यादा का समय कोरोना काल को हो गया और तमाम स्कूल बंद है लेकिन उस बीच में यहाँ पर अभी तक एक भी स्कूल की नींव नहीं रखी गई है, जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोग काफी चिंतित हैं। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon, never miss any update.